यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र सरकारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रचना करी छे। चार मंत्रियों ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यूसीसी अलग अलग मुद्दाओं पर विचार करशे, जेमा आदिवासी साथे जोड़ायेला मुद्दाओं पर किरेन रिजिजू और महिला अधिकारियों मुद्दाओं पर स्मृति ईरानी विचारणा करशे। समान नागरिक धारो अथवा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंत्रियों एक ग्रुप की रचना कर अनौपचारिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में घना वरिष्ठ मंत्रियों शामिल छे, जेमा किरेन रिजिजू, स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल ने शामिल कर अनौपचारिक जीओएम की कमान किरेन रिजिजू ने सौंपा। और इनको उस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा जो कि बच्चों को अधिकार देने से वंचित करती है। अभी दत्तक लेने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि दत्तकों को अधिकार क्या मिलेगा। महिलाओं को 3 तलाक करके घर से बाहर तो निकाल देते हैं, लेकिन उनको गुजारा भत्ता और भरण पोषण की बात नहीं करते। महिलाओं को जो है वैसे तो कहते हैं कभी नहीं, इस्लाम में बड़ा उसका इज्जत है, और अगर कोई महिला विवाह के बाद में अपने पति अपने माता पिता को भरण पोषण करना चाहे, उसका सहायता करना चाहे, तो नहीं कर सकती, ना ही उनकी प्रॉपर्टी में राइट ले सकती। तो ये सब चीजें जो है किसी रिलीजन से रिलेट नहीं करता, ये तो मूलभूत संविधान के मूलभूत सिद्धांतों से जुड़ा हुआ मामला है। यूसीसी ना कायदाकीय पासाओं पर कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्वोत्तर राज्यों ना मुद्दाओं पर जी किशन रेड्डी और आदिवासी साथे जोड़ायेला मुद्दाओं पर किरेन रिजिजू विचारणा करशे। आ मंत्रीओनी पूर्वोत्तर ना केटलाक मुख्यमंत्रीओ साथे पण आ संदर्भे चर्चा थई छे। यूसीसी पर आगळ वधवानी दिशामां केन्द्र सरकारनुं आ वधु एक पगलुं मानवामां आवे छे। Majority issues, every issue cannot be decided by majority and minority. Many things are there where 2, 3, 4 opinions may be there, and that is the democracy. So other opinions also should be respected. Now BJP is doing it, insisting it, because this is their urgent need. Next election, if they win, they have their life tonic is communal division. So because of the next Lok Sabha election, they are raising it, fanning it. PM मोदी ए भोपाल ना बूथ कार्यकर्ताओं साथे ना संवाद मा यूनिफॉर्म सिविल कोड नी पूरजोर तैयारी करी हती। तैना पछी केटलाक मंत्रीओए भाजपना अध्यक्ष जेपी नड्डा साथे मुलाकात करी हती। बीजी तरफ कांग्रेस सहित घणी पार्टीओए यूसीसी नो विरोध करता आरोप लगाव्यो छे के भाजप सरकार तेने देश पर थोपवा मांगे छे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।